और अब चलेंगे बाग हजारीबाग की बात करेंगे। हजारीबाग में बीते दिनों कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और कई दावेदारों ने अपने अपने दावे जो हैं वो पेश किए हैं। अब देखना ये होगा कि इन दावेदारों की उम्मीदवारी पर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी क्या कुछ विचार विमर्श करती है, क्या कुछ फैसला लेती है और किस तरीके से क्या क्राइटेरिया जो है वो तय किया जाता है उम्मीदवारों के चयन में। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक जुड़ गए हैं। शशांक के पास चलेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे। शशांक, बीते दिनों कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की टीम हजारीबाग में थी, दावेदारों को लेकर जो मंथन है वो हुआ है और कहा जा रहा है कि क्राइटेरिया अब तय किया जाना है कि किस क्राइटेरिया के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। क्या क्राइटेरिया इस बार लग रहा है और किसकी दावेदारी इस बार दिख रही है मजबूत? देखिए नवीन, जब उम्मीदवार स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश होकर बाहर आ रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि आपसे किस तरह के सवाल अंदर पूछे जा रहे हैं, क्या जवाब आपके तरफ से दिए जा रहे हैं, कौन आपके लिए वहां खड़े हैं जो आपको बता रहे हैं कि हाँ ये हमारे अच्छे दावेदार हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया, कई उम्मीदवारों ने जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने बताया कि अंदर पूछा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ने के लिए कितना इच्छा रखते हैं, इस सीट पर जिस सीट से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां आपकी स्थिति कैसी है, और इस स्थिति के बारे में अन्य कांग्रेसी नेताओं से भी पूछा जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है कि आप कांग्रेस में कितने दिनों से हैं। इन सब चीजों पर स्क्रीनिंग कमेटी ने लोगों से सवाल जवाब किए हैं। अब ये तय करना उन्हें है कि अब वो किसे यहाँ से टिकट देती है। हालांकि थोड़ी देर के लिए वहां पर स्थिति बहसाबहसी की भी देखने को मिली थी, जबकि सदर विधानसभा सीट का, हजारीबाग का सदर विधानसभा सीट का स्क्रीनिंग चल रहा था तो उस समय कुछ उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे उन्होंने यह कहा कि सीनियर नेताओं को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और इसे लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के लोगों से ही उलझते हुए कुछ नेता दिखाई दिए थे, जिन्हें बाद में समझा बुझा लिया गया और मामले को शांत करा लिया गया। तो काफी देर, लगभग शाम तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हजारीबाग में चली है, जिसमें चतरा, रामगढ़, कोडरमा और हजारीबाग, इन चार जिलों के सभी विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों से स्क्रीनिंग कमेटी के लोगों ने मुलाकात की है। अब देखना यह होगा कि किस उम्मीदवार पर मुहर स्क्रीनिंग कमेटी के लोग लगाते हैं और आलाकमान के उम्मीदवार यहाँ टिकट दे देता है, यह सबसे जरूरी देखने वाली चीज होगी। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल हजारीबाग के सर्किट हाउस में कांग्रेसियों का जमावड़ा रहा और अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे कांग्रेसी नेता जो चुनाव लड़ना चाहते थे काफी जोश में दिखे, समर्थक भी जोश में दिखे, अपने नेताओं के लिए नारेबाजी भी हुई काफी, मतलब दिन भर वहां पर कांग्रेसियों का काफी जमावड़ा देखने को मिला और स्क्रीनिंग कमेटी के लोग शाम में यहां से धनबाद के लिए निकल गए थे। अन्य चीजों की बात करें नवीन तो कल प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड दौरा है और ऐसे में हजारीबाग को भी एक सौगात मिलने जा रही है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन में कोचिंग कॉम्प्लेक्स का कल शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जमशेदपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजारीबाग में करेंगे और हजारीबाग में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद मनीष जायसवाल खुद मौजूद रहेंगे। तो हजारीबाग रेलवे स्टेशन को भी एक बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि आपको बता दूं अभी हजारीबाग रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन सीधे यहाँ से कहीं के लिए नहीं खुलती है, या तो रांची से ट्रेन हजारीबाग होते हुए जाती है, बड़का काना से जाती है, हजारीबाग से कोई भी ट्रेन नहीं खुलती है। ऐसे में अगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ बनकर तैयार हो जाता है और यहाँ पर मेंटेनेंस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है ट्रेनों के लिए, ट्रेनों की साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो ऐसे में भविष्य में यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन खुलने की भी संभावना प्रबल हो जाएगी और हजारीबाग को स्पेशल कोई ट्रेन भी मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। वही बरही में जो कि हजारीबाग से रांची से पटना वंदे भारत चलती है, बरही होकर गुजरती है, जहां पर वंदे भारत का स्टॉपेज नहीं है, तो ऐसे में कल प्रधानमंत्री का दौरा है और कल बीजेपी के जो वहां से पूर्व विधायक थे मनोज यादव, उन्होंने बरही स्टेशन पे एक छोटा सा आंदोलन भी किया और उन्होंने उसके माध्यम से अपना एक आवेदन सांसद मनीष जायसवाल को दिया है ताकि बरही में भी वंदे भारत ट्रेन का ठहराव हो और यहाँ से जो लोग पटना जाना चाहते हैं उन्हें सहूलियत मिले। बरही में अगर ठहराव होता है तो बरही से रांची जाने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। इन सब चीजों को लेकर उन्होंने आवेदन सांसद मनीष जायसवाल को दिया है तथा इसके जरिए वो प्रधानमंत्री तक ये आवेदन पहुंचाने की मांग कर रहे हैं ताकि बरही के लोगों को भी वंदे भारत ट्रेन
की सौगात मिल सके। चलिए, तो पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं और कल जमशेदपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग को भी सौगात देंगे। और जैसा कि आपने जानकारी दिया शशांक की, वंदे भारत का स्टॉपेज बरही में नहीं होता है, इसको लेकर भी जो मांग है वो उठाई गई है, तो बेहद अहम है कल का दिन हजारीबाग के लिए। इसके अलावा उम्मीदवारों की चर्चा को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की टीम आगे क्या कुछ फैसला लेती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।